इसराइल और हमास गजा में 5 रोज़ की जंगबंदी पर रजामंद हो गए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसराइल और हमास अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी की डील पर रजामंद हो गए हैं। फरीकैन ने यरगमालियों की रिहाई के बदले गजा में लड़ाई में 5 दिन के वक्फे पर इतफाक किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक 24 घंटे में 50 के करीब यरगमालियों की रिहाई का इम्कान है। माहदे में कतर ने कलीदी किरदार अदा किया। इसराइल और हमास गजा में 5 रोज़ की जंगबंदी पर आमादा हो गए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने दावा किया है कि इसराइल और हमास अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी की डील पर रजामंद हो गए हैं। फरीकैन ने यरगमालियों की रिहाई के बदले गजा में 5 दिन के वक्फे पर इतफाक किया है। इसराइल और हमास गजा में 5 रोज़ की जंगबंदी पर रजामंद हो गए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसराइल और हमास अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी की डील पर रजामंद हो गए हैं। फरीकैन ने यरगमालियों की रिहाई के बदले गजा में लड़ाई में 5 दिन के वक्फे पर इतफाक किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक 24 घंटे में 50 के करीब यरगमालियों की रिहाई का इम्कान है। माहदे में कतर ने कलीदी किरदार अदा किया। इसराइल और हमास गजा में 5 रोज़ की जंगबंदी पर आमादा हो गए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने दावा किया है कि इसराइल और हमास अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी की डील पर रजामंद हो गए हैं। फरीकैन ने यरगमालियों की रिहाई के बदले गजा में 5 दिन के वक्फे पर इतफाक किया है।